मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो उन सभी महिलाओं के लिए मैंने वीडियो बनाया है जो मेरे उस वीडियो को देख के आई हैं कि 45 दिन तक हनुमान चालीसा करना चाहिए, और उनके मन में एक संदेह है, हमेशा एक संदेह रहता है कि गुरुजी, हम 45 दिन तक हनुमान चालीसा करने को तैयार हैं, पर हम बीच के जो हमारे 5-7 दिन पीरियड के आते हैं, उस दौरान हम कैसे हनुमान चालीसा पढ़ें। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हर महिला के जो भी नए वीडियो देखती है उसके मन में ये प्रश्न आता है। तो मित्रों, मैं इसको उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, इस वीडियो को, और आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं जिनके मन में भी ये संदेह है। बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशली वीडियो मैंने इसके लिए बनाया है ताकि जो लेडीज़ इस दुविधा में फंसी हैं वो मेरे से प्रश्न नहीं करके इस वीडियो को देख ले। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस दुनिया के अंदर अगर आप हनुमान जी महाराज के होना चाहते हो, हनुमान जी महाराज की कृपा लेना चाहते हो, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आपको मंदिर में जाते हो तो बहुत बढ़िया, अगर मंदिर में नहीं जाते हो तो आप घर में बैठ के भी अगर भगवान का भजन करोगे, श्री राम जी का जाप करोगे, मंत्र का हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तो आपके सारे काम पूरे होंगे। मित्रों, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है बाबा के दर में, सबसे बड़ी खास बात यही है। और मेरा बाबा सब कुछ देता है, सब कुछ, गरीब को धन देता है, जिनकी समस्या हो उनकी समस्याओं को दूर करता है, जिनके संतान नहीं है उनको संतान देता है, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी देता है, जिसके पास घर नहीं है उसको घर देता है, जिसके पास भक्ति नहीं है उसको भक्ति भी देता है, पर थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य करें। तो मित्रों, जो मैंने वीडियो बनाया था 1 से लेकर 100 हनुमान चालीसा तक का, उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं। और एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो माताएं बहनें मेरे से पूछ रही है कि गुरु जी, हमें ये बताएं कि हम हनुमान चालीसा 45 दिन तक कैसे करें। आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा ने वीडियो नहीं बनाया, 4-5 मिनट का वीडियो बनाया है, और इसका मेरा मकसद यही है, सिर्फ स्पेशली उन माताओं बहनों के लिए ये वीडियो बनाया है मैंने कि उनको ये चीज़ पता लग जाए कि 45 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा का जो भी पाठ कर रहे हैं, चाहे आप 1 बार कर रहे हैं, चाहे 7 बार कर रहे हैं, चाहे 11 बार कर रहे हैं, 21 बार कर रहे हैं, 100 बार कर रहे हैं, वो आपको पूरे भाव से करना है, पहाड़े की तरह रट रट के नहीं करना है। मित्रों, आप जब बचपन में, आपने देखा होगा, आप जब पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर क्या कहते थे कि बेटा इसको समझो, इसको रटो मत, इसको समझो। जो साइंस में टॉपिक्स होते थे उनको कहते थे इसको समझो, संस्कृत का दोहा था उसको कहते थे इसको समझो, इसका अर्थ समझो। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा का सबसे पहले तो अर्थ समझिए, हनुमान चालीसा का अर्थ समझिए, और उसके बाद हनुमान चालीसा करने शुरू कीजिए। हनुमान चालीसा के नियम सारे एक बार मेरे जो वीडियो बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, हनुमान चालीसा प्लेलिस्ट में, हनुमान चालीसा टॉपिक्स में, वो वीडियो जाके देखिए। और जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए हनुमान चालीसा के बारे में, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहे, तब आप हनुमान चालीसा पढ़िए। अच्छा, उसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा अलावा भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स मेरे वीडियो पर डालता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया तो अब आप मेरे से जोड़ अपना जो जुड़ाव है उसको दूर कर दें, ऐसा नहीं करें। आप जुड़े रहें, क्योंकि मैं नए नए टॉपिक्स धर्म से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड लेके आता हूँ। तो मित्रों देखिए, महिलाएं जब 45 दिन का पाठ करेंगी तो उनको करना क्या है, जो बीच के जो 5 दिन है, मैं कहता हूँ 7 दिन, बीच के 7 दिन में उनको हनुमान चालीसा छोड़ना नहीं है। डेफिनेटली वो मंदिर नहीं जा सकती हैं, वो मंदिर में बुक्स भी हाथ में नहीं ले सकती है, किसी भी तरह की होली बुक्स को वो हाथ में नहीं ले सकती है, किसी भी तरह के ग्रंथ को हमारे हाथ में नहीं ले सकती हैं। तो करे क्या, वो कर ये सकती है कि हनुमान चालीसा उन 7 दौरान के दौरान मोबाइल में लगा ले और मोबाइल में सुन ले। वो मोबाइल में आप हनुमान चालीसा लगा के सुन लें, और वो हनुमान चालीसा आप सुनते हैं मित्रों, तो उसका आपको, स्पेशली लेडीज को,
पूरा फल मिलता है मित्रों उस 7 दिन के दौरान, क्योंकि हनुमान जी महाराज सभी कुछ समझते हैं, हमारे मन के भाव, हमारी प्रॉब्लम सभी कुछ वो समझते हैं। जैसे कोई बीमार है, वो पढ़ नहीं सकता, उसका नियम चल रहा है 45 दिन का, तो भी मैं उसको ये कहता हूँ कि आप बिस्तर पे लेटे लेटे हनुमान चालीसा मोबाइल में चला लें, आपके कान में पढ़नी चाहिए, पर आपका दिमाग हनुमान चालीसा में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल में चला दिया और दिमाग आपका कैटरीना कैफ की तरफ हो, तब उस हनुमान चालीसा का कोई महत्व नहीं है पढ़ने का। अगर आपका दिमाग, आपका ध्यान पूरा हनुमान जी की तरफ रहेगा, हनुमान चालीसा की तरफ रहेगा, तो आप मोबाइल में लगा के सुनिए, स्पेशली लेडीज़ के जो जो टाइम आता है उसके दौरान, और स्पेशली जो बीमार लोग हैं उनके लिए ये नियम बनाया गया है। पर जो नॉर्मल लोग हैं, जिनके पास सारा टाइम है, सारी फैसिलिटी है, और जो बहाने बना रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, मेरे पास ये नहीं मिल पाता, भाई तुम्हारे पास खाने के लिए भी तो टाइम होता है ना, खाना खाने के लिए भी, तुम्हारे पास दोस्तों से बाहर थड़ी पे बैठ के चाय पी रहे हैं, दोस्तों के साथ सिगरेट के सिट्टे उड़ा रहे हैं, उसके लिए भी टाइम है तुम्हारे पास। लेकिन तुम ये कहते हो मेरे पास हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मित्रों ये जो चीज़ें हैं ना, ये निकाल दो अपने दिमाग से। हनुमान जी और महाराज बल विद्या बुद्धि के दाता हैं, जब वो बल विद्या बुद्धि के दाता हैं तो सोचो वो खुद कितने बलवान बुद्धिमान होंगे और विद्यावान होंगे जब वो दे रहे हैं, क्योंकि जो टीचर होता है ना वो एक बच्चों को कुछ दे सकता है। हमेशा मन के अंदर एक भाव लगा के रखो, हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, कभी परेशान नहीं हो, कभी छूट भी जाए तो माफी मांग लो उनसे और उनको एक ही चीज कह दो, प्रभु संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबिरे हनुमत बलवीरा। और रहा श्री राम जय राम जय जय राम की जो माला है, वो मैं बोलता हूं कि आप हनुमान चालीसा के पढ़ने से पहले जो माला जपें, तो उसका भी यही तरीका है कि आप श्री राम जय राम जय जय राम मुँह से बोल सकते हैं, मुँह से बोलने में कोई वो नहीं है। मित्रों जो कलयुग है ना, ये केवल नाम के आधार पे है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, मतलब सिर्फ आप नाम ले लेके भगवान का इस कलयुग से पार उतर सकते हैं। आप पार कैसे उतरेंगे, जब आप सब तरफ से आपकी सारी समस्याएं जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी, और आप धन से तन से मन से प्रसन्न रहेंगे, तभी तो आप भक्ति कर पाएंगे। तो भगवान वो सब देते हैं ताकि आप आराम से भक्ति करें, प्यार से भक्ति करें, हाँ लालच नहीं करें। भगवान ने तो आपको 1 करोड़ दे दिया, पर आपके मन में मैं तो 10 करोड़ कर दूँ इसको, ऐसे लालच वाले में फिर वो हनुमान जी महाराज अपना हाथ खींच लेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सब दे देंगे, कोई शक नहीं है इसमें। बट आपको भी अपने लालच को दूर हटा के एक भक्ति भाव रखना है मन में, पूरे भाव से हनुमान जी के पूरे भाव से आपको भजन करने हैं, पूरे भाव से हनुमान चालीसा पढ़नी है, और अपने अंदर श्री राम जी को बिठा के रखना है, हनुमान जी महाराज को बिठा के रखना है मन के अंदर। जय श्री राम मित्रों, आज इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, और सभी प्रभु प्रेमियों से, सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जय श्री राम लिख कर और हाजिरी लगा के जरूर जाएँ। जय श्री राम।